तो हम लोग आज देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो टू रिड्यूट देयर एनर्जी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एन सेप। मतलब ये हुआ, जब दो और दो से अधिक ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कराते हैं, मिक्स होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल बनती है उस न्यू ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी एनर्जी एंड शेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसकी एनर्जी एंड शेप कैसा होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने करेक्टरिस्टिक लिखे हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन क्या करेक्टरिस्टिक होती है देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज। मतलब कि ये हुआ, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कम हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, तो दो हाइब्रिड नंबर ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो दो हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे। जैसे एक एस ऑर्बिटल भाग ले रहा है, दूसरा पी ले रहा है, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तीसरा पॉइंट लिखा, द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। तो मैंने बताया जितने भी हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें एनर्जी और शेप कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते हैं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड इन देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो बहुत है ना इफेक्टिव होता है, फॉर्मिंग स्टेबल भी होता है और फॉर्मेशन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन भी करता है। ये मैंने कंडीशन लिखी हुई है, देख पा रहे होंगे आप कंडीशन में, आप कंडीशन देख लेना, थ्योरी लिखा हुआ कंडीशन आप देख लेना। सीधे हम लोग टेबल बनाए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा एक टेबल आपको देख रही है, काफ़ी बड़ी टेबल बनाई है मैंने, उसको देखिएगा बेटा एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री एग्जाम्पल। ये आपने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ये हमने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया तो एक एस का होगा एक पी का होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 होगा। ज्योमेट्री लीनियर होती है, लीनियर शेप ऐसा होता है, लीनियर शेप ऐसा होता है आपका, ये दिख रहा है आपको लीनियर शेप आपका ऐसा होता है। एग्जाम्पल आपका BeCl2BF2 दिया। दूसरा देखिएगा, ये हमने तीन लिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन लिए तो sp2 होगा, बॉन्ड एंगल 120 होगा, ज्योमेट्री इसकी ये होगी, ये सेंट्रल एटम होता है जो तीन आपके ग्रुप लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लैनर। इसको नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लैनर नाम है इसका। एग्जाम्पल लिया है बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड एक्सेट्रा। ये चार नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल लिए तो sp3 हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट हो जाएगा, 109.28 मिनट हो जाएगा। टेटा हेडल होता है, इसका शेप ऐसा होता है, शेप इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है। एग्जाम्पल CH4 लिया, मेथेन कार्बन टेटा क्लोराइड लिया, पाँच ले लिया हमने तो sp3d हो जाएगा, sp3 के बाद फिर d आ जाएगा, 120 एंगल होगा, 180 होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल कितना होगा 180 होगा, और ये वाला कितना होगा 120 एंगल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या TBP। टी मतलब ट्राई, बी मतलब बाई, पी मतलब पिरामिडल, PCl5 एग्जांपल होता है इसका। ये तो आपने सिक्स ले लिया तो यहाँ पे एग्जांपल होता है sp3d2 हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 90 हो जाए। ज्योमेट्री ऑक्टाइडल होती है, ऑक्टाइडल का शेप ये बना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आपके दो बने हुए हैं। इसको हम लोग HGL बोलते हैं, इसका एलेंट का नाम क्या होता है HGL, इस लेंट का नाम HGL होता है, AB HGL AB ऑक्टेन। और जो ये वाई लेंट होती है इसका नाम होता है इक्विटोरियल। अभी बताएंगे आगे चल के, जब बेस्ट पर थोड़ी बताएंगे तब हम बताएंगे चल के इक्विटोरियल। इसका एग्जांपल SF6 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेमिन लिया तो sp3d3 हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 72, 90, 120 होगा। इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाईपाउंडर, इसका नाम वैसे PBP होता है, पेंटागोनल बाईपाउंडर, ये शेप बना हुआ ठीक है। इसका एग्जांपल IF7 हो गया। ये मैंने आपको टेबल बनाई है, टेबल को बहुत अच्छे देख लीजिएगा एक बार, और टेबल को ड्रा भी करना है, बहुत अच्छे समझना है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा हमेशा। अब मैंने कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाए हैं आपको। अब देखिएगा, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं लिखा हुआ पे SP हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, तो हम एक की डिफिनेशन लिख रहे हैं, बाकी आपको खुद लिखना है। ऐसे यहाँ लिखा, वेन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल
ऑर्बिटल मिक्स एंड फॉर्म टू इक्विवेलेंट। अब देखिएगा जब एक एस मिला है और एक पी मिला, दोनों मिक्स हो गए तो कितने बनेंगे, टू इक्विवेलेंट एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। दीज प्रोसेस आर कॉल्ड एस पी हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 होता है। अब कहो सर ज्योमेट्री कैसे लीनियर आ गई, ये देखिएगा मैंने अभी जो टेबल बनाई थी उसमें लिखा हुआ है ज्योमेट्री लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे सॉल्व भी किया है, तो बेरियम डाइक्लोराइड लिया है, तो बेरियम कितना होता है 4, 1s का 2, 2s का 2, दो ये 2s का 2 है, ये वाला दो 2s का 2 है, ये लिख दिया मैंने, ग्राउंड स्टेट हो गया। अब देखिएगा क्लोरीन कितने लगे, 2 है, वैकेंसी खाली नहीं है यहाँ पे भाई, एक सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा है, एक सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों फिल्ड हो गए यहाँ पे, इसके मतलब यहाँ पे वैकेंसी अब नहीं खाली है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2p ऑर्बिटल लेगा, क्योंकि एस के बाद क्या आता है, पी आता है, पी के बाद क्या आता है, डी आता है ना, तो हमने यहाँ पे पी ऑर्बिटल ले लिया, 2p कर दिया मैंने 0, तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब ये होता है जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था वैसे ही आपने सेप बना दिया, तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, इस वाले ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो इसको हमने बोला एक्साइटेड स्टेट, इसको हमने क्या बोला है एक्साइटेड स्टेट। अब दो क्लोरीन लगे तो एक क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, आप देख रहे हैं इसमें एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाया, एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाया, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है एस, ये कौन सा ऑर्बिटल है पी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक बार फिर समझिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 1s का 2 आ गया। अब दो क्लोरीन है यहाँ पे वैकेंसी नहीं खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है ये यहाँ पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक एस ऑर्बिटल हो गया, एक पी हो गया, एस पी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसको हमने बोला एक्साइटेड स्टेट। इसकी ज्योमेट्री देखेंगे BeCl Cl बॉन्ड एंगल, अब देखिएगा लीनियर ऐसी होती है, मैंने यहाँ पर डॉट बनाया था उसमें और यहाँ पर लाइन खींची थी, तो इसका एंगल कितना हुआ, मैंने देखो लिखा 180, ज्योमेट्री लीनियर हो गई। इसी प्रकार sp2 देखेंगे, तो sp2 में डिफिनेशन कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ऐसा ऑर्बिटल लेंगे, यहाँ पे 2p लेंगे और मिक्स होकर 3 ऑर्बिटल बनेंगे, जिसका नाम होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री कैसे आएगी, ट्राइगोनल आएगी, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 आएगा। डिफिनेशन आपने चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू टेबल, टेबल के अकॉर्डिंग डिफिनेशन को चेंज करते रहना, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री केवल चेंज होगी। अब देखिएगा इसको मैं सॉल्व किया तो BF3 लिया, बोरान ट्राइफ्लोराइड लिया, तो 1s का 2, 2s का 2, 2p का 1 आ गया। अब देखिएगा 2s का 2, 2p का 1 इज द बैलेंस सेल, देखो मैं लिखा हुआ बैलेंस सेल है ये। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, अब देखिएगा 2s का 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p का 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ग्राउंड स्टेट। ये कैसा आपका है, ये ग्राउंड स्टेट। अब इसमें क्या किया मैंने, लिख दिया ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करा, क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन फील्ड है, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे एक ही जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो ये क्या करे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देगा, तो 3 फ्लोरीन आ जाएंगे हमारे, तो इसने तब ट्रांसफर किया, तो ये फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, ये फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, ये फ्लोरीन यहाँ लगा दिया, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था BF3 का एग्जांपल दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 वैकेंसी क्रिएट कर ली, तो इसको मैंने बोला एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए एक एस का ऑर्बिटल है, 2p के एक है, एक पी है, एक पी है, तो sp2 हो गया। इसकी ज्योमेट्री देखो कैसी होती है, ज्योमेट्री मैंने बनाई TBP, ऐसी तो होता है, मैंने अकॉर्डिंग टू टेबल बनाया है, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर होगी, जो ये एंगल है, ये एंगल या ये एंगल या ये एंगल, कितने एंगल 120 है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन sp3 देखिएगा बेटा, sp3 में कुछ नहीं करना है, कुछ सिमिलर है, एग्जांपल देखो, डिफिनेशन आपको अकॉर्डिंग टू sp लिखना है, डिफिनेशन सेम रहेगी, आपको ध्यान रखना है 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल 2 फॉर्म 4, अब यहाँ पे 4 बनेंगे, क्यों, क्योंकि 3 का तो p हो गया, 1 का s हो गया, 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109 मिनट, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ये डिफिनेशन आपको स्वयं लिखनी है। अब देखिएगा ये 1s का 2, 2s का 2, 2p का 2, ये बैलेंस सेल हो गया, 2s का 2, 2p का 2, ये हो गया, इसको मैंने ग्राउंड स्टेट, या इसको हम लोग GS बोलते हैं, जी मतलब ग्राउंड, एस मतलब स्टेट, क्लियर है बेटा ये। अब देखिएगा, अब 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी खाली, एक वैकेंसी यहाँ क्रिएट, एक वैकेंसी यहाँ पे है,
अब दो ही वैकेंसी खाली है। अब इस आपको सर इसमें आपने क्यों नहीं भरा, इसमें इसलिए नहीं भरा क्योंकि बॉन्ड नहीं बना पाएगा, पूरा खाली है। क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग करने पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें ट्रांसफर कर देगा तो ये बन गया आपका। इसको मैंने बोला एक्साइटेड स्टेट। अब देखिएगा एक हाइड्रोजन यहाँ और तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, तो sp3 हो गया। इसको बोला मैंने एक्साइटेड स्टेट, ये आपका ज्योमेट्री बनी है टेट्राहेड्रल, और ये आपकी बॉन्ड एंगल इतना बना है, ये सारे एंगल इक्वल हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैंने टॉप पे दिखाया इसका मतलब होता है ये चीज़ ऊपर है, मतलब आपकी ओर है, ये चीज़ आपके नीचे। आप क्या करिएगा इसको हम अलग से समझाएंगे, बट अभी आप इतना बना लीजिए, इसको मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ आपकी ओर है, ये चीज़ आपसे जो दूर है पीछे की ओर है, ठीक है, हिडन होती है ये चीज़ का मतलब। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं टेबल में उसको सॉल्व करने डिफिनेशन करनी है, इसके लिए आज के लिए वीडियो देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताएँ।